सुपारी व्यापारी को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल सुपारी खरीदी बिक्री की आड़ में उसने कई व्यापारियों को लाखों का चूना लगा है, जिसके चलते अचानक से उसने स्वयं के अपहरण की झूठी कहानी रची, ऐसा पुलिस का कहना है। आइए देखते हैं विस्तार से। दरअसल छापरू नगर निवासी गिरफ्तार महाठक सुपारी व्यापारी नानक श्याम सुरानी ने कुछ माह पहले लकड़गंज और तहसील थाना क्षेत्र के थोक सुपारी व्यापारी को झांसा देकर सुपारी खरीदी थी, जहां उसने तहसील क्षेत्र में एक व्यापारी को 51 लाख और दूसरे व्यापारी को 35 लाख का चूना लगाया था, तब वह अचानक गायब हो गया। पूछताछ में उसकी पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य और उसके कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें नानक का कोई पता नहीं है। मई माह में ही नानक की गुमशुदगी की शिकायत लकड़गंज थाने में दर्ज की गई थी। उधर नाटकीय घटनाक्रम में नानक ने संपर्क करने के बाद नंदुरबार से पत्नी उसे नागपुर लेकर आई है। कहा जा रहा है कि 20 मई को नानक वसूली के लिए गुजरात गया था, उसके बाद से ही उसका कोई पता नहीं था। नानक का कहना है कि उसका 5 लोगों ने अपहरण कर लिया था। नंदुरबार में कमरे में बंद कर उसे जलती हुई सिगरेट के चटके दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस का मानना है कि आरोपी नानक पुलिस से बचने के लिए फरार हुआ था, जहां बचने के सारे रास्ते बंद होने पर उसने खुद के बचाव में झूठी अपहरण की कहानी कड़ी और कहानी को सच साबित करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद से उसने खुद की पीठ पर सिगरेट के चटके दिए। इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल नानक को 10 प्रकरण में तहसील पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी तहसील पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने। तहसील पुलिस स्टेशन के आदमी में 662/23 से गुना दाखिल है। उसमें ये जो सुपारी का व्यापारी नानक सोरानी, ये उसमें आरोपी है। वो आरोपी बता रहा कि मेरा किडनैपिंग यहाँ से हुआ ना, शेगांव से। लेकिन उसने जो बात बताई उस पर तो हमें यकीन होता है कि किडनैपिंग वगैरह नहीं है। व्यापारी के पैसा डुबाने के लिए और कोई 4 महीने से मिसिंग था, इसलिए कोई बहाना चाहिए, इसलिए उसने वो किडनैपिंग का है क्या है। उसने जो हमें बात बताई उससे लगता नहीं कि उनका किडनैपिंग हुआ ऐसा। या ये जो चट्टे है वो बहुत सुपरफिशियल है। वो 4 महीने से लापता था, मई 20 से वो लापता है उनकी मिसिंग से। और अभी की जो चटके दिख रहे वो अभी एक 8-10 दिन के पहले के। अगर वो 4 महीने से पता था कि वो इंजरी भी बहुत पुरानी होनी चाहिए थी और जो इंजरी वो बहुत सुपरफिशियल है। ये जो आरोपी हैं नानक सोरानी, इनके ऊपर उसने एक व्यापारी का 37 लाख का माल लिया और पैसा दिया नहीं, जो चेक दिया था अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण वो भी वापस आया। ऐसे और एक दूसरा व्यापारी है, उसने भी उनके खिलाफ 51 लाख रुपये का माल दिया है क्या वो, इसलिए 20 में से उनके घर वाले ने मिसिंग दाखिल की थी और वो तब से वो लापता था। अभी अचानक एक दिन नंदुरबार में वो खुद प्रकट हो गया। वो एक व्यापारी कोई उनको उनके घर ना फेरे लगाए और कुछ करे, इसलिए उसने कोई बहाना बनाया होगा। अभी वो मिसिंग लकड़गंज में दाखिल हुई थी। तहसीलदार के जो व्यापारी उनका पैसा नहीं दिया, इसलिए हमारे यहाँ 420/409/507-1 धारा के इसे गुना दाखिल है। कोई आरोपी का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे 3 व्यक्ति बता रहा है वो। कोई आरोपी का नाम नहीं बताता, कौन सी गाड़ी से बताया कोई नहीं बताता, कहाँ रहा वो बताता नहीं, वो किडनैपिंग किया ऐसा बताता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।